नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। आज चुनावी रुझान से हरियाणा में तस्वीर बदलती नजर आ रही है, लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी की चमक धमक थोड़ी बरकरार है। लेकिन जानना यह भी दिलचस्प है कि यूपी के उपचुनाव की हॉट सीट कही जाने वाली रामपुर सीट पर चुनावी मैदान में तंजीन फातिमा चुनाव लड़ रही है। तंजीन फातिमा को लेकर बार बार सवाल यही उठ रहे हैं कि क्या वो रामपुर सीट पर आजम खान का दबदबा बरकरार रख पाती है या नहीं, क्योंकि जिस तरह से तंजीन फातिमा यूपी में योगी और मोदी लहर में बीजेपी को समाज पार्टी से चुनौती दे रही है, ये काफी दिलचस्प है। बहरहाल, जिस तरीके से आजम खान पर इतने सारे आरोपों की झड़ियां लगाई गई थी, उसे रामपुर की जनता दरकिनार कर उन्हें समर्थन देते हुए दिखाई दे रही है। अब चुनावी आंकड़े पर नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश की 11 विधानसभा सीटों गंगोह, रामपुर, इगलास, लखनऊ, कैंट, गोविंद नगर, मानिकपुर, प्रतापगढ़, जैतपुर, जलालपुर, बलहा और घोसी के लिए सोमवार को मतदान हुआ था। इस दौरान 45.5% वोट पड़े थे। यह 11 सीटें इन पर चुने गए विधायक के सांसद बनने के कारण खाली हुई थी। वही घोसी सीट विधायक फागु सिंह चौहान को बिहार के राज्यपाल बनाए जाने के बाद उनके इस्तीफे से सीट खाली हुई थी। इन सीटों में से 8 बीजेपी के पास थी, जबकि एक एक सीट सपा, बसपा और अपना दल ने जीती थी। उपचुनाव के नतीजे सभी पार्टियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे। इन सभी क्षेत्रों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभाएं की थी। खासकर आजम खान के दबदबे वाली रामपुर की सीट बीजेपी के साथ साथ सपा की भी प्रतिष्ठा का सवाल है, लेकिन आजम खान ने उनके विपक्ष में भी ताबड़तोड़ रैलियां की थी और रैली में जनता को संबोधित करते हुए रोने लगे थे। इसका फायदा साफ तौर पर आजम खान को दिख रहा है। आजम खान के खिलाफ भ्रष्टाचार और कई अन्य आरोपों पर ताबड़तोड़ मुकदमे किए जाने का मुद्दा उठाते हुए समाजवादी पार्टी ने एक अभियान भी चलाया था। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि स्थानीय जनता उपचुनाव में किसे अपनाती है और किसे खारिज करती है, ये जानना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी चुनावी रुझानों के लिए देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज। शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।